नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। बूढ़े गिद्ध ने बताया कि जीवन में इन चार लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि ये चार लोग दूसरे की स्त्री और धन को देखकर नीयत खराब कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाए इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था और उस किसान के चार पुत्र थे। चारों पुत्र रामू के धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। प्रिय दर्शकों, रामू के तीन बेटे तो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वह कुछ कम बुद्धि वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना ही कम बुद्धि वाला था उतना ही उसका शरीर बलशाली था, तगड़ा और तंदुरुस्त था। उस किसान रामू के दिमाग में एक विचार आया कि मेरे तीनों बेटे तो काफी बुद्धिमान हैं, वह अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धि वाला है, इसकी जीविका के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। फिर काफी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने इस छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं, वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब तो उस किसान रामू ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छी अच्छी पहलवानों की खुराक मिलती थी। अब तो किसान का छोटा पुत्र बहुत जल्दी ही बड़ा ताकतवर हो गया। प्रतिदिन कसरत करता था, दौड़ लगाता और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सीखता रहता था। वह हर दिन नए नए दांव पेंच सीखता था। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता गया। किसान रामू ने अपने बड़े तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के पुत्रों का विवाह हो गया तो तीन पुत्रों की जो स्त्रियां थीं, वो भी किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी। मन में सोचने लगी कि ये छोटा वाला देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी अच्छी चीजें खाता रहता है, और हम और हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते हैं और ये बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यही सोचकर रामू तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब अलग होने की जिद करने लगी तो किसान रामू ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने एक बड़ी सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की और उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का विवाह संपन्न करा दिया। प्रिय दर्शकों, उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस पूरे क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी, और सुंदर होने के साथ साथ वो बड़ी विद्वान थी। उसे 14 विद्याओं का ज्ञान था। अब विवाह होने के बाद चारों पुत्रों को किसान ने अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए तो किसान रामू के तीन बड़े बेटे काफी बुद्धिमान थे, इसीलिए वे तीनों अच्छी तरह से कमाने खाने लगे। वो हर काम जानते थे, खेती में भी खूब मेहनत करते थे, इसलिए उनका समय बहुत अच्छे से चल रहा था। परंतु जो पहलवान था उसका तो वही काम था, अच्छा अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना। अब तो बहुत जल्दी ही उसके ऊपर कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी उससे दिन रात लड़ने लगी, कहती थी कि तुम कोई काम नहीं करते हो, दिन भर खाली पड़े रहते हो, खाने को अच्छा अच्छा चाहिए, इस तरह से हमारा गुजारा कैसे होगा। अब तो दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। प्रिय दर्शकों, उसकी पत्नी जो थी वो काफी बुद्धिमान थी, काफी होशियार थी। एक दिन अपने पति से बोली कि तुम ऐसा करो, इस देश के राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। तो पहलवान कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई काम ही नहीं जानता हूं, केवल कुश्ती लड़ सकता हूं और भोजन कर सकता हूं, और कोई काम तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो राजा के यहां मुझे नौकरी कैसे मिल जाएगी, और मिल भी जाएगी तो मैं वहां क्या काम करूंगा। तो वो पत्नी कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं जो कहती हूं वो तुम करो, मेरे कहने से तुम महाराज के पास जाओ और महाराज से कहो कि महाराज मैं आपके यहां नौकरी करना चाहता हूं, राजा जब तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाए तो तुम उसके यहां लखटकिया के पद पर नौकरी पर लगना। पत्नी की बात सुनकर पहलवान कहने लगा कि लखटकिया क्या होता है। तब उसकी बुद्धिमान स्त्री समझाने लगी कि देखो, राजा के यहां 1,00,000 टका रोज पाने वाला एक नौकर होता है,
जो हर रोज 1,00,000 टका रोज वेतन पाता है, उसका काम ये होता है कि जो काम राजा से न हो सके, उसकी सेना से न हो सके, उसके किसी मंत्री से न हो सके, तो उस काम को लखटकिया को करना पड़ता है। तो पहलवान बोला कि मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूं, फिर मैं उस काम को कैसे करूंगा। तब पत्नी बोली, देखो तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, आप तो बस चले जाओ वहां और महाराज से कहना कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए। प्रिय दर्शकों, पहलवान अपनी पत्नी की बात सुनकर उदास मन से राजा के दरबार को चल देता है। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि बड़ा बलवान पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। तो राजा समझ गए कि शायद ये व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया होगा। महाराज ने उससे पूछा कि आप किस लिए आए हैं, तो वह कहने लगा कि महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने पूछा, अच्छा ठीक है, आप हमें बताओ कि आप करोगे क्या, आप क्या कर सकते हो। तब वो पहलवान कहता है, महाराज जो काम आपसे नहीं होगा, जो काम आपकी सेना से नहीं होगा, किसी मंत्री से नहीं होगा, वो काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1,00,000 टका रोज का वेतन लूंगा। राजा कहने लगा, तो अच्छा लखटकिया की नौकरी करोगे। वो पहलवान कहने लगा, जी महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा कि देखो तो जरा, क्या हमसे पहले कभी किसी राजा ने किसी लखटकिया को नौकरी पर रखा है या नहीं। अब तो राजा के मंत्री ने जब पहले दस्तावेजों में देखा तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिता ने ही एक लखटकिया को रखा था। तो मंत्री कहने लगा, महाराज आपके पिता ने भी एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, तो ठीक है, हम भी अपने यहां एक लखटकिया को रखते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपने यहां नौकरी दे दी। लखटकिया कहने लगा, तो ठीक है महाराज, आप मुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा दे दीजिए। जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे ना हो, आपकी सेना से ना हो, आपके किसी मंत्री से ना हो, तो आप खबर भेजकर मुझे बुलवा लेना। राजा ने उस पहलवान को अपने यहां जो शाही बाग था उसमें रहने को कह दिया। उस शाही बाग में एक बहुत सुंदर महल बना हुआ था। राजा ने कहा, हे लखटकिया, तुम इस महल में आराम से रह सकते हो, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। उसी दिन से वह पहलवान 1,00,000 टका वेतन रोज पाने लगा। रहने के लिए उसे राजा की तरफ से एक महल भी मिल गया। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा। प्रतिदिन पहलवानी करता था, बगीचे में घूमता था और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही कुछ वक्त बीत जाता है। एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे कि आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो, हम देखना चाहते हैं कि तेरा घर कैसा है। अब तो वो पहलवान महाराज के आदेश को टाल न सका और मंत्री और राजा को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। वो पहलवान राजा और मंत्री को अपने घर बुला लाता है। पहलवान की पत्नी बड़ी सुंदर थी और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। उसने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी तो सुंदर थी ही, इतनी सुंदर थी कि राजा की रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया और भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री वापस चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, हमारी रानी भी इतनी सुंदर नहीं है। मंत्री ने कहा, हां महाराज सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, ये तो अपना अपना नसीब, किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं। राजा बोला, मंत्री मुझे ये बताओ कि हम इसकी पत्नी को पाना चाहते हैं, किस तरह से हम इसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, कहते हैं राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत है, इनसे हमेशा बचकर चलो, राजाओं के उलटे नियम होते हैं। राजा और मंत्री सोचने लगे, पहलवान की पत्नी को राजा के महलों में कैसे लाया जाए। अब तो वे उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। इधर महाराज की जो मां राजमाता, वह बीमार पड़ जाती है। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्य को उन्हें दिखाया, परंतु किसी भी वैद्य का उपचार उन्हें ठीक नहीं कर पाया। राजमाता के पेट दर्द होता था, उनके बदन दर्द की बीमारी बढ़ती चली गई, कोई भी वैद्य हकीम उनका इलाज नहीं कर सका। एक दिन एक वैद्य जी आए। मंत्री ने मन में विचार किया कि मुझे कुछ षड्यंत्र रचना चाहिए। वैद्य को देखकर मंत्री कहने लगा, वैद्य जी हमारे महाराज की मां राजमाता बीमार है,
क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? वैद्य ने कहा, हाँ हम अवश्य उनका इलाज कर देंगे। मंत्री ने कहा, देखो जी आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा। मंत्री ने कहा, मैं आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आप जब उनका इलाज करो तो इलाज के लिए तुम उनसे ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। वैद्य को जब 50 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ा दिए तो वैद्य लालच में आ गया। वैद्य कहने लगा, चलो मंत्री जी मैं ऐसा ही करूंगा। अब तो मंत्री वैद्य को लेकर राजदरबार में आता है और राजा से कहता है, महाराज ये वैद्य जी बड़े ही माने हुए हैं, इन्हें मैं काशीपुरी से बुलाकर लाया हूं। ये वैद्य जी राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। महाराज बोले, तब तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा फौरन उस वैद्य को साथ लेकर के राजपुरोहित सेनापति और मंत्री को साथ लेकर अपनी राजमाता के पास जाता है। राजमाता का इलाज करने में वहां पहले से कई वैद्य लगे हुए थे। वैद्य जी ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहा, हे महाराज इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। राजा एकदम घबरा गया, कहने लगा, क्यों वैद्य जी क्या बात है? वैद्य जी ने कहा, हे राजन आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ वो है क्या? वैद्य बोला, वो वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोले कि आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया कि महाराज यदि आप 4 हो रोबीला मंगवा दो तो आपकी माँ ठीक हो सकती है। 4 हूर बीला को मंगा कर आप उनका तेल निकलवाएं और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाएं, राजमाता बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर के राजा मन में विचार करने लगा कि अवश्य हम उस हूर बीला जानवर को मंगवाएंगे, वो कहाँ मिलता है? वैद्य कहने लगा, वो हूर बीला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। वही वैद्य राजमाता का इलाज करने में लग जाता है और महाराज दरबार में आते हैं। दरबार में आकर महाराज ने अपने समस्त सभासदों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि कोई भी ऐसा योद्धा है जो हूर बीला नाम के जानवर ला सके। ये बात सुनकर के कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे, महाराज ये हूर बीला क्या होता है? हमने आज तक तो ये नाम नहीं सुना। राजा कहने लगे, ये कोई एक प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर के संपूर्ण दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हूर बीला की बात राजा कर रहे थे आज तक किसी ने उस जानवर को नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे कि मंत्री ऐसे तो काम नहीं चलेगा, राजमाता को बचाने के लिए हमें हूर बीला जानवर को लाना ही होगा। मंत्री कहने लगा, महाराज ये बड़ा अच्छा मौका है, जो पहलवान हमारे यहाँ 6 महीने से केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है वो किस दिन काम आएगा? क्यों ना ये हूर बीला उसी से मंगाया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहे कि वो 2 महीने के अंदर हूर बीला को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और महाराज इस तरीके से वह हूर बीला को लेने जाएगा। अगर वो ले आता है तब तो ठीक है, राजमाता बच जाएगी। अगर वह मर जाता है तो और भी अच्छी बात है, उसकी पत्नी फिर आपके लिए रह जाएगी, आप उसे राजमहल में ले आना। राजा की नियत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी पर थी। राजा कहने लगा, वाह मंत्री क्या अच्छा सुझाव दिया है, पहलवान अभी हूर बीला नहीं ला सका तो हम उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वो 6 महीने से ₹1,00,000 रोज ले रहा है। अब तो राजा ने बिना देर किए 4 सिपाही भेजे और पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। पहलवान महाराज के दरबार में आ जाता है। महाराज ने कहा कि हे पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, अभी तक कोई काम तुमने हमारा नहीं किया है, अब एक आवश्यक काम आ गया है। पहलवान बोला, महाराज आज्ञा कीजिए मैं अवश्य करूंगा। तब राजा कहता है कि हमें 4 हूर बीला की जरूरत है, उनका तेल निकलवाना है और तेल निकलवा कर राजमाता के शरीर पर मालिश करनी है जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया, कहने लगा, महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये हूर बीला क्या होता है? राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते लेकिन तुम्हें लाना है। काफी सोच विचार के बाद पहलवान कहने लगा, महाराज आप मुझे कुछ समय दीजिए। राजा बोले कि इसके लिए मैं आपको 1 महीने का समय देता हूँ, यदि आप 1 महीने में हूर बीला को नहीं ला पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान महाराज की बात सुनकर घबरा जाता है और अपने बगीचे में आता है। मंद बुद्धि का तो वह था ही, मन में विचार करने लगा कि चलो देख लूंगा, अगर कहीं मिलेगा तो हमारे पास 2 महीने का समय है। इस प्रकार 4 दिन का समय तो वह वहीं पर निकाल देता है। अब इधर राजा और मंत्री और सेनापति मन में विचार करने लगे कि लगता है वो अभी तक हूर बीला को लेने नहीं गया है, 4 दिन से आराम से बाग में सो रहा है,
आप उसके पास जाइए और उससे कहिए कि वह जल्दी से जल्दी हूर बिला को लेकर आए, वरना हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। ये बात सुनकर के राजा कहने लगे, ठीक है, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि वो अभी तक क्यों नहीं गया है। ऐसा विचार करके राजा उस पहलवान के घर पर जाते हैं। पहलवान ने ये बात अपनी पत्नी को कभी नहीं बताई थी। पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने 100 हाथ गहरा कुआं अपने आंगन में खुदवा रखा था और कुएं के ऊपर उसने एक खाट बिछा रखी थी। उस चारपाई को उसने कच्चे सूत से बनवाया था। उसके ऊपर एक बहुत सुंदर मखमली बिस्तर लगा दिया था। इधर जब राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला और द्वार पर राजा को देखकर कहने लगी, महाराज आप। तो उस पहलवान की पत्नी ने राजा का बड़ा स्वागत किया और कहने लगी कि महाराज आप यहीं बाहर बिराजो, मैं आपके लिए भोजन लेकर के आती हूं, मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं तो आपके साथ अंदर चलता हूं। अब तो राजा पहलवान के बारे में उसकी पत्नी से गलत बातें करने लगा। कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता है। अरे वो आपको क्या अच्छे से रखेगा, वो तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वह समझ गई कि लगता है राजा की नीयत खराब है, इसलिए अब इनको सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आओ महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है, अब मैं ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने और भी दिमाग से काम लिया। अब तो राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला जाता है। उसके महल में पहलवान की पत्नी ने क्या किया, जो उसने कच्चे सूत का पलंग बनाकर कुएं के ऊपर बिछा रखा था, उसके ऊपर मखमल की चद्दर बिछा दी थी। उसने राजा से कहा कि आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं आपकी सेवा करती हूँ। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठता है तो कच्चे धागे से बना हुआ वो पलंग टूटकर उसी कुएं में गिर जाता है। राजा उस कुएं में गिर जाता है। महाराज सोचने लगे कि ये क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया। इधर महाराज नीचे गिर जाते हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से समय पास कर रहा था। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाया, उनके कई पुत्र थे, उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, इसमें एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। उसके पुत्रों ने उस राजा को बाहर निकाला और आदेश दिया कि इसको बांध कर इसके ऊपर 50 कोड़े लगाए जाएं। अब तो पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 50 कोड़े लगाए गए और कहा कि इसको वापस इसी कुआं में डाल दीजिए। उन पुत्रों ने वापस उसको कुएं में डाल दिया। पहलवान की पत्नी ने कहा कि एक मटके में पानी और 2 रोटी इस कुएं में नीचे रख दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी भी कुएं में पहुंचा दिया। अब तो रोजाना राजा के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। उधर राजा मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूं। अब तो उसके भतीजे रोज उसको कुएं से निकालते और 50 कोड़े मारकर फिर से कुएं में डाल देते थे। राजा को पिटते पिटते 3 से 4 दिन हो गए। राजा जब अपने दरबार में नहीं पहुंचा, अपने घर नहीं पहुंचा, तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफी दिन से पहलवान की पत्नी के पास गए थे, न जाने क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी चल देता है और जब काफी अंधेरा हो जाता है तो मंत्री उस पहलवान की पत्नी के महल के द्वार पर पहुंच जाता है। आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आती है। बाहर आकर देखा तो राजा के मंत्री थे। मंत्री कहने लगा कि देखो, मैं राजा का मंत्री हूं और आपसे मिलने आया हूं। पहलवान की पत्नी बोली, आप क्यों आए हैं। पहलवान की पत्नी के ऊपर मंत्री की भी नीयत खराब थी। मंत्री कहने लगा कि मैं इसलिए आया हूं, देखो पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम कहां अकेली यहां रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको महाराज के महलों में लेकर के चलूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह उसके दिमाग को भी समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ आइए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी खाट पर जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था, उस खाट पर मंत्री को बैठा दिया। मंत्री जैसे ही खाट पर बैठा तो एकदम से कुएं के अंदर गिर पड़ा और राजा के ऊपर जाकर गिरा। राजा देखकर कहने लगा कि मंत्री जी तुम यहां कैसे। मंत्री ने कहा, महाराज आप यहां कैसे। जवाब दिया, मैं पहलवान की पत्नी की खातिर खुशामद में हूं, अब तू भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ,
इधर जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्र थे, अपने कुटुंब के जो पुत्र थे उन्हें बुलवाया। उनका रोजाना का नियम बन गया था। वो आए और उन्होंने एक रस्सी डाल दी और उन्होंने बोला, नंबर एक तो राजा कहने लगा, मेरा नंबर आया है, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। इस प्रकार वह राजा को रस्सी पकड़वाकर ऊपर चढ़ा लेते हैं और उसे खंभे से बांध देते हैं। फिर दूसरा रस्सा डाला, उसको बोल नंबर दो, तो मंत्री भी ऊपर आ गया, उसको भी खंभे से बांध दिया। फिर उनको 50-50 कोड़े लगाए, फिर से उसी कुएं में डाल दिया गया और कहा कि इनको एक मटका पानी और 4 रोटी नीचे पहुंचा दो। रस्सी की सहायता से रोटी और पानी कुएं में नीचे पहुंचा दिया। अब तो राजा और मंत्री के साथ प्रतिदिन 50-50 कोड़े बरसने लगे। उनको रोजाना कोड़ों की मार पड़ने लगी। राजा और मंत्री दोनों के शरीर से चमड़ी उतर गई थी। इसी तरह से 10 दिन निकल जाते हैं। इधर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री गया था, वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वो तो पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, न जाने क्या कर रहे हैं। ये विचार करके सेनापति भी चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर जाता है, इधर पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला, बाहर देखा तो सेनापति खड़ा था। पूछने लगी, आप कौन हैं? तो सेनापति कहने लगा कि हम महाराज के सेनापति हैं और तुम्हारे पास आज की रात्रि बिताना चाहते हैं, क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत सुंदर थी। जो एक बार उसे देख लेता था तो उस पर मोहित हो जाता था। सेनापति भी पहलवान की पत्नी पर मोहित हो गया। सेनापति की मंशा को वह अच्छी तरह समझ गई कि ये षड्यंत्रकारी है और मेरे पास आया है। पहलवान की पत्नी कहने लगी, हाँ हाँ आइए ना, आपका भी मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में फंस गया। सेनापति ने सोचा कि अब तो यह मेरी पत्नी होकर रहेगी, लेकिन पहलवान की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने उस सेनापति को भी उसी खाट पर बैठने को कहा और जैसे ही वह कच्चे सूत की खाट पर बैठा तो वह भी नीचे कुएं में गिर गया। उसमें राजा और मंत्री तो पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा ने और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम? सेनापति बोला, जी महाराज, अरे आप भी इसी में हैं, मैं आपको ही तो ढूंढने आया था। राजा बोला, तुमने ढूंढ लिया हमें, अब सुबह देखना क्या होता है। सेनापति बोला, क्या होगा? मंत्री बोले, सुबह देखना, अभी चुपचाप सो जाओ। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर जेठ पुत्रों को बुलाया। वो सब लोग आए और उन्होंने आकर रस्सा नंबर एक डाल दिया। उसे पकड़कर राजा ऊपर आ गया। राजा को रोज की तरह खंभे से बांध दिया। फिर दूसरा रस्सा डाला, मंत्री भी उसे पकड़कर ऊपर आ गया। इसी तरह से तीसरा रस्सा भी डालकर सेनापति को भी ऊपर निकाल दिया। इस प्रकार से पहलवान की पत्नी ने आदेश किया कि कैदी नंबर एक को 25 कोड़े लगाए जाएं, कैदी नंबर दो को 200 कोड़े मारे जाएं और कैदी नंबर तीन को 300 कोड़े मारे जाएं। पहलवान की पत्नी की बात सुनकर उन सभी पुत्रों ने कोड़े मारने शुरू कर दिए। कोड़ों की मार पड़ने से उनकी चमड़ी निकल आई। कोड़े मारने के बाद रस्सियों के सहारे उन्हें उसी कुएं में फिर लटका दिया। उसके बाद उन्हें पीने के लिए मटके का पानी और 6 रोटी उसमें डाल दी। धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा, मंत्री और सेनापति तीनों को प्रतिदिन मार पड़ती थी। उनकी पीठ पर रोज कोड़े बरसते थे। अब तो वह बड़े परेशान होने लगे, कहां वह पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और कहां उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। अब एक दिन कोतवाल, जो राजा के कोतवाल थे, उन्होंने मन में विचार किया कि चलिए मैं भी चलकर देखता हूं कि महाराज और मंत्री और सेनापति जी अभी तक क्यों नहीं आए। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वो लौटकर क्यों नहीं आता है, न जाने क्या कर रहे हैं वे लोग, मैं चलकर देखता हूं। ये विचार करके कोतवाल भी चल देता है। वो घोड़े पर बैठा और चल दिया। कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं चलकर देखता हूं कि महाराज, सेनापति और मंत्री तीनों पहलवान की पत्नी के पास रुककर क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या है वहां। ऐसा विचार करके कोतवाल अंधेरे में पहलवान के घर जाते हैं और उसने दरवाजा खटखटाया। आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी समझ गई, लगता है कोई राजा के यहां से कोई आया है। उसने दरवाजा खोला तो देखा द्वार पर कोतवाल खड़ा है। ये देखकर पहलवान की पत्नी कहने लगी कि तुम कौन हो। तो उसने बताया कि हम कोतवाल हैं, राजा के यहां से आए हैं। कोतवाल ने जब पहलवान की पत्नी को देखा तो वो भी उसकी सुंदरता पर लट्टू हो गया और वो भी उसी के घर रात में रुकना चाहता था। पहलवान की पत्नी बोली कि आपका स्वागत है। उसी रात कोतवाल को भी ले जाकर उसी कच्चे सूत के पलंग पर बैठा दिया
और जैसे ही कोतवाल चारपाई पर बैठा एकदम से नीचे कुएं में गिर गया। राजा मंत्री सेनापति पहले से ही उसमें नीचे थे। ये देखकर राजा कहने लगा, कोतवाल जी आप भी यहाँ आ गए। कोतवाल ने पूछा, राजा साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, सुबह देखना यहाँ क्या होता है। कोतवाल कहने लगा, महाराज क्या होगा? राजा ने कहा, सुबह देखना, अब आप आराम से रात्रि में विश्राम करो। इधर सुबह हुई तो पत्नी ने अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाया और चार रस्सी उस कुएं में डलवाई। एक एक करके राजा सेनापति मंत्री सभी को बाहर निकाला और फिर सभी को 50-50 कोड़े मारे गए। इसके बाद चारों को फिर नीचे उतार दिया और उनको एक मटका पानी और 8 रोटियां खाने को डाल दी। अब तो पहलवान की पत्नी का नियम बन गया, अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाती, उन्हें बाहर निकलवाती और उनको 50-50 कोड़े लगवाती, उसी कुएं में फिर से उन्हें नीचे डाल देती। अब तो वे चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब तो राजा मन में विचार करने लगा कि यहां से कैसे छूटा जाए। अब वे मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। इधर पहलवान मन में विचार करने लगा कि अब मैं हूर बीला को कहां से लाऊं? अगर नहीं ले गया तो राजा निश्चित ही मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। सोचने लगा, चलो अपनी पत्नी के पास चलता हूं, यदि वह कोई उपाय बता दे तो शायद मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूं। निराश हृदय से पहलवान अपनी पत्नी के पास जाता है। जब अपने पति का चेहरा उदास देखा तो उसकी पत्नी पूछने लगी, ऐसा क्या कारण है जो आपका चेहरा इतना उदास है? तो वो कहने लगा, अब मुझे राजा फांसी की सजा देने वाला है। उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी, राजा आपको फांसी पर क्यों चढ़ाएंगे? पहलवान ने कहा कि उसने मुझे ऐसा काम बताया है जो मुझसे होगा ही नहीं। पहलवान की पत्नी बोली, ये बताओ तो सही, राजा ने तुम्हें क्या काम बताया है जिसको लेकर आप इतने चिंतित हैं? पहलवान ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि महाराज ने मुझसे 4 हूरबिला मांगे हैं और वे हूरबिला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। राजा उनका तेल निकलवाएंगे, राजमाता बहुत बीमार है, उस तेल से राजमाता की मालिश की जाएगी। पत्नी कहने लगी, बस ये छोटी सी बात है, मैं तो घबरा गई थी, पता नहीं कौन सी बात होगी। अरे ऐसे हूरबिला तो हमारे जंगलों में काफी है, मैं अपने बालकों से कहकर पकड़वाकर आपको दे दूंगी। आप तब तक 4-5 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। पहलवान अपनी पत्नी के कहने पर अपने ससुराल चला जाता है। मंद बुद्धि का तो वह था ही, वो मन में विचार करने लगा, इसका मतलब मेरी मुसीबत मेरी पत्नी दूर कर देगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने जो बच्चे थे देवर जेठ के पुत्र, उन्हें आदेश दिया, उनसे कहा कि आप कुछ पंखों की व्यवस्था करो, चिड़िया के, कबूतर के, मोर के, समस्त पक्षियों के पंख ज्यादा से ज्यादा लेकर के आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके देवर जेठ के पुत्र वो छोटे छोटे बालक ही थे, उन्होंने 2 दिन में ही कमरा पंखों से भर दिया। जब 3रा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर जेठ के पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि आप 2 क्विंटल तारकोल की व्यवस्था करो। इस प्रकार से तारकोल की व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद उसे गर्म किया गया और गर्म करके जब वह पतला हो गया तो उसे ठंडा करने रख दिया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कड़ाही में भरकर रख दिया। जब तारकोल ठंडा हो गया तो उसे एक बड़ी कड़ाही में भरकर रख दिया। फिर उसके बाद उस कुएं में 1 नंबर रस्सा डाला गया तो राजा सोचने लगा, अरे आज तो मुझे दोपहर से ही बुलाया जा रहा है, रोजाना तो सुबह पिटाई होती थी, अभी तो दोपहर का समय है, क्या आज फिर मार पड़ने वाली है? तो राजा चुपचाप से ऊपर चढ़ जाता है। पहलवान की पत्नी वहां डंडा लेकर के बैठी थी, उसने राजा से कहा कि यह कढ़ाई रखी है, इसमें स्नान करो, यदि ज्यादा आनाकानी की तो इस डंडे की मार पड़ेगी। राजा चुपचाप डर के मारे उस तारकोल से भरे कढ़ाई में घुस जाता है और जब वह बाहर निकला तो संपूर्ण शरीर पर तारकोल लिपट गया। पहलवान की पत्नी बोली, इस कमरे में जाइए और इसमें आराम से लेट जाइए। राजा को उस कमरे में भेज दिया गया जिसमें हजारों पक्षियों के पंख पड़े थे। राजा जैसे ही उस कमरे में लेटा तो पक्षियों के सारे पंख उनके शरीर से चिपक गए। राजा जैसे ही उस कमरे में लौटे तो पूरे शरीर से पंख ही पंख चिपक गए। इसके बाद राजा को एक लोहे के खूंटे से बांध दिया। इस तरह से 2 रस्सा डाला गया। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री सोचने लगा, अब मुझे बुलाया जा रहा है, राजा साहब अभी तक नीचे नहीं आए, हो सकता है उन्हें छोड़ दिया हो, लगता है आज हम सबको रिहा किया जा रहा है। तो मंत्री बड़ी जल्दी जल्दी ऊपर चढ़कर आ जाता है। ऊपर चढ़कर जब आया तो देखा कि पहलवान की पत्नी डंडा लेकर बैठी हुई है। मंत्री से कहा, चलो इस कढ़ाई में स्नान करो। मंत्री गिड़गिड़ाने लगा परंतु पहलवान की पत्नी ने उसे बलपूर्वक उस कढ़ाई में गिरा दिया। जैसे ही कढ़ाई में मंत्री जी गिरे
तो वो भी कोलतार में पूरे नहा गए। संपूर्ण शरीर काला हो गया, पूरे शरीर पर तारकोल चिपक गया। फिर उसके बाद मंत्री को भी उसी कमरे में भेजा गया जिसमें पंख पड़े हुए थे और उनसे लेटने को कहा, कहा कि जाकर उस कमरे में सो जाओ। जैसे ही मंत्री उस कमरे में जाकर लेटा तो पूरे शरीर पर उसके पक्षियों के पंख चिपक जाते हैं। मुंह पर कान पर कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद उन्हें भी एक दूसरे खूंटे से बांध दिया। इसी तरह से चारों को निकाल दिया और तारकोल में स्नान कराया। उसके बाद कमरे में भेज कर कमरे में लिटाया गया। चारों के शरीर से पक्षियों के पंख चिपक गए। फिर चारों को अलग अलग लोहे के खूंटे से बांध दिया गया। इस प्रकार से मित्रों जब चार दिन बीत गए, उधर वो पहलवान अपने ससुराल से लौट कर आता है और आकर अपनी पत्नी से कहता है कि अब बताओ कि वह हूरबीला कहाँ है। मुझे महाराज से डर लग रहा है, 2 महीने का समय पूरा होने वाला है, नहीं तो राजा मुझे पूरे परिवार सहित फांसी दे देगा। तब उसकी पत्नी बोली कि आप इतना क्यों घबरा रहे हो, देखो मैंने पहले ही आपकी व्यवस्था कर दी है, चारों हूरबीला अंदर बंधे हैं। पहलवान ने देखा कि बड़े ही विचित्र चार जानवर बंधे थे, देखने में इंसान जैसे लग रहे थे। शरीर काला था, जगह जगह पर पूरे शरीर में रंग बिरंगे भांति भांति के पंख लगे हुए थे। अब तो पहलवान बड़ा प्रसन्न होता है। पहलवान की पत्नी बोली कि आप इन्हें ले जाइए और एक डंडा लेकर जाना, यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करता है तो उसे डंडे से पिटाई कर देना, ये बड़े सीधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। पहलवान प्रसन्न मुद्रा में चारों को पकड़कर उन्हें लेकर चल देता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर उनके पीछे पीछे चलता है। इधर मंत्री और राजा विचार करने लगे कि यदि हम इससे भागने की कोशिश करेंगे तो यह बड़ा पहलवान है, हमें उठा उठा कर पटक देगा और हमें मार भी सकता है, इसलिए चुपचाप इसके साथ चलने में ही भलाई है। जब वह पैदल उन्हें लेकर के आया तो अपने बगीचे में आ गया। शाम का वक्त था, मन में विचार करने लगा कि इन्हें सुबह महाराज के दरबार में पेश करूंगा, अब मैं आराम से सो जाता हूं। उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है और एक कमरे में बंद कर दिया। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगे, यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश किया तो फिर रानी हमारा तेल निकलवा लेगी, क्योंकि उन्हें भी शीघ्रता है राजमाता को ठीक कराने की, राजपुरोहित कल ही हमारा तेल निकलवा देंगे, अर्थात अब हमारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए कोई उपाय कीजिए, यदि तेल भी नहीं निकलवाया तो संपूर्ण शहर में हमारी हंसी हो जाएगी। तो राजा कहने लगे कि इस कमरे से गुप्त सुरंग हमारी रानी के महल तक जाती है, आप ऐसा कीजिए इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। उन चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग से नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने महलों में पहुंच जाते हैं। राजा ने महल में जाकर के आवाज लगाई और महल में से जब रानी ने निकलकर देखा तो राजा को देखकर वह एकदम से घबरा गई, क्योंकि राजा का तो विचित्र रूप था, उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे, ऐसा जानवर या आदमी उसने आज तक नहीं देखा था। रानी चीख पड़ी। रानी की आवाज सुनकर नौकर चाकर, दास दासियां और कुछ सैनिक वहां इकट्ठे हो जाते हैं। सबने मिलकर महाराज की बहुत पिटाई की, कहने लगे मारो, न जाने कौन सा जानवर आ गया है। राजा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मुझे मारो मत, मैं राजा हूं, लेकिन वहां राजा की कोई नहीं सुन रहा था। काफी पीटने के बाद राजा की आवाज रानी पहचान लेती है। तब रानी ने पूछा, यदि आप राजा हैं तो फिर ये क्या हुआ, ये आपने क्या हुलिया बना रखा है। राजा बोला, पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे कमरे में ले चलो और थोड़े से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो, मुझे जल्दी जल्दी उस मिट्टी के तेल में स्नान कराओ। रानी ने अपने नौकर से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल में स्नान कराया, जिससे राजा के शरीर का जो कोलतार था वह छूट गया। और फिर राजा को स्नान कराया तो राजा का पूरा शरीर लाल पड़ गया था, पूरे शरीर पर कोड़े की चोट के निशान बने हुए थे। अब तो राजा रात्रि को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है उधर पहलवान जागता है और उसने जाग करके वह कमरा खोला तो उसने देखा कि उसमें से एक गायब था, 3 ही हूरबीला बचे थे। अब तो वो डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा, पूछने लगा, बताओ एक कहाँ है। तीनों कहने लगे, देखो भाई हमें मारो मत, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, नहीं नहीं हमें जल्दी बताओ, राजा अगर पूछेगा कि चौथा कहाँ है तो वह हमें फांसी लगा देगा। वो तीनों कहने लगे, देखो जब राजा तुमसे यह कहे कि चौथा कहाँ है तो तुम ये कह देना कि हमें सब पता है, हम तुम्हारी पोल खोल देंगे, तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा।
ये सुनकर पहलवान प्रसन्न होता हुआ उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है। संपूर्ण दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो जाती है। पूरा दरबार हंसने लगा, सोचने लगा कि यह तो बड़े विचित्र जानवर हैं। ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। राजा को पहलवान ने उन तीनों हूर बीला को सौंप दिया। तीनों को देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुझसे चार हूर बीला मांगे थे, ये तो तीन है, एक कहाँ है? मैं तुम्हें अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा, महाराज ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा। पहलवान की ये बात सुनकर राजा समझ जाता है, लगता है इसको सब पता है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। प्रिय दर्शकों, राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और चुपके से उन्हें उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल में स्नान करके साफ होते हैं। उसके बाद राजसी वस्त्र पहनकर अपने रूप में आते हैं और आपस में विचार करने लगे, भाई अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। अब ये बात हम किसी को नहीं बता सकते। अगर पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो भी यह बात रानी को और पूरे नगर में फैला देंगे, इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक है। इस प्रकार उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहाँ नौकरी करता रहा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी का उद्देश्य ये है कि दूसरे की स्त्री दूसरे के धन के पीछे मत भागो। अगर भागोगे तो इसी तरह कायल होना पड़ेगा। कहते हैं ये चार लोग हमेशा दूसरे की स्त्री एवं धन को देखकर नियत खराब करते हैं, इसलिए इन्हें कभी अपने घर बुलाकर मत लाना। नंबर एक, जो कामी और लालची हो, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्रों को ना पढ़ा हो और ना सुना हो, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना, जो धर्म से अनभिज्ञ है, जिनका मन चंचल है, जिन्हें ईश्वर का भय नहीं होता, जो पशु वृत्ति वाले हैं, ऐसे लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को देख नियत खराब करते हैं। इसलिए दूसरे की स्त्री और धन के पीछे मत भागो, वरना व्यर्थ की मुसीबत में पड़ जाओगे। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।